बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए ये कल का जो मैंने आपको काम दिया था 10-11 में, वो काम मैं आपको समझा नहीं पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। मैं आपको पिक भेज दी थी, लेकिन देखिए इसे समझिए थोड़ा सा। इसमें हमने यूज करना है इन, ऑन, अंडर, नियर। तो इन मतलब में, जिसमें है वो, ऑन मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, और नियर मतलब पास। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसका यूज करेंगे पिक्चर देख देख कर। ठीक है, तो देखिए द पप इज अंडर द डेस्क। अंडर मतलब नीचे, तो नीचे है, देखिए ये डेस्क के नीचे है पपी। ठीक है, तो इसमें हम रहेंगे अंडर। इसमें देखिए, इसमें शोकेस बना हुआ है, इसके अंदर ये टेडी बियर, फ्लावर पॉट और टेडी बियर ये रखा हुआ है ना, तो इसमें रखा हुआ है, अंदर रखा हुआ है इसके, तो लिखेंगे ए टेड इज इन द केस। इसमें इन आएगा क्योंकि ये अंदर रखा है। ठीक है, उसके बाद है ये पपी एक चेयर पे बैठा हुआ है ना, तो इसमें क्या बनेंगे, ए कैट इज ऑन द चेयर। ऑन मतलब ऊपर, तो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए अब ये बॉय एक स्वान के पास में खड़ा हुआ है, तालाब के पास में खड़ा हुआ है, तो लिखेंगे ए बॉय इज नियर मतलब पास, तो पास में खड़ा है ना, तो द पाउंड, तो ऐसे नियर आएगा इसमें, पास, इसके पास खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कैनल, जिसमें डॉग रहते हैं उसको कैनल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा हुआ है एक डॉग इज डैश द कैनल, तो डॉग इसके अंदर है, कैनल के अंदर है, तो क्या आएगा इन, ए डॉग इज इन द कैनल। अब देखिए ये बॉल है, जो फुटबॉल है, ये बॉल है जो चेयर के नीचे रखी है, तो इसमें देखिए ए बॉल इज अंडर द चेयर, तो इसके नीचे रखी हुई है। ठीक है, इसलिए अंडर आएगा। इसमें है देखिए कार में ये दो बच्चे हैं ना, तो के कार में है ना, तो लिखा हुआ है सैम इज इन द कैब, इन मतलब अंदर, तो कैब के अंदर है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब ये देखिए ये जो चिड़ी है, ये जो है रॉकेट के ऊपर रखी हुई है ना, तो कैसे लेंगे, शटल इज ऑन द रॉकेट, इसके ऊपर रखी हुई है, तो इसमें ऑन आएगा। ठीक है, इस तरह से देखिए ये आज का काम है आपका, ये क्या आज का काम है आपका, तो इसमें हम मैचिंग दी हुई है, ये आप कुछ समझ लीजिए। देखिए जैसे ये पिक्चर बनी हुई है, तो क्या है, फ्रूट्स जो बास्केट में रखे हुए हैं, ठीक है, तो है ना, तो ऑन द लॉग, ऑन क्या होता है, ऑन होता है ऊपर, लॉग होता है लकड़ी का टुकड़ा, लकड़ी का गट्ठा टुकड़ा जो भी होता है ना वो, तो ऑन द लॉग, तो लकड़ी के ऊपर क्या है, ये लॉग बैठा है ना लकड़ी के ऊपर, तो हम इसको हमने इससे मिला रखा है। ठीक है, इसके बाद ऑन द बेड, ऑन द बेड मतलब बिस्तर के ऊपर, ऑन द बेड, तो ऑन द बेड कहाँ है, ऑन द बेड देखिए ये जो छोटा बच्चा है वो ऑन द बेड, बेड के ऊपर बैठा हुआ है ना, तो लिखा है ऑन द बेड। इसके बाद देखिए इन द बास्केट, बास्केट में है, रखी है ना कोई चीज, तो इन द बास्केट, ये फ्रूट्स बास्केट में रखे हैं ना, इन द बास्केट, तो हमने इसको उससे मैच किया है। इन द टब, अब ये पपी है टब के अंदर है, तो इनका मतलब अंदर, तो ये इन द टब, तो ये इससे मैंने मिलाया है। ठीक है, इसके बाद है नियर द कैब, आप देखिए ये लड़की है जो नियर कैब के नियर खड़ी है, पास में खड़ी है, तो हमने इसको इससे मिलाया है। इसके बाद देखिए अंडर द कॉट, अब देखिए ये डॉग है जो वो अंडर नीचे, अंडर है मतलब नीचे, तो कॉट के नीचे है ना ये डॉग, हमने इसको इससे मिलाया है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला काम है जो फील ब्यूटीफुल कलर्स एंड ब्लैंक्स, तो आप देखिए ये जो इनमें कलर भरना है आप सुंदर से, इसके बाद देखिए लिखा हुआ है ये इसके ऊपर बैठा है, तो हमें सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ये आधा दे रखा था, आधा हमें बनाना है,
तो ये डॉग इसके ऊपर बैठा है ना, तो ए डॉग इज ऑन द लॉग, ऑन द मतलब इसके ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए ये है, ये टब में एक पपी है, तो ए डॉग इज इन द टब, इन द टब इन मतलब अंदर, तो टब के अंदर बैठा हुआ है। तो इस तरह से हमने यूज किया, हमने इन, इन, ऑन, नियर, अंडर, इनका हमने यूज किया ना, इस तरह से हमें यूज करना है, ठीक है बच्चों। ओके बाय।